दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। मुंशीगंज हसनगंज मार्ग के निर्माणाधीन पुल पर हो रहे बड़े हादसे, ठेकेदारों की लापरवाही से हुई एक व्यक्ति की मौत। क्षेत्र के मुंशीगंज रसूलाबाद मार्ग पर स्थित नदी का पुल का निर्माण कार्य लगभग एक वर्ष से चल रहा है, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण कार्य समाप्त नहीं हुआ। पुल के ठेकेदारों द्वारा पुल में जो मटेरियल लगा हुआ है वो मटेरियल घटिया क्वालिटी का है। कुछ दिन पूर्व जब पुलिस की स्लैब पड़ी थी जिसमें मानक के विपरीत पुल के कार्य ठेकेदारों द्वारा किए जाने के कारण पुल की स्लैब कुछ दिन बाद छमछम आकर धराशायी हो गई थी। उसके बाद पुल की पुनः स्लैब डाली गई थी। ठेकेदारों के चलते मनमानी से पुल में मानक विहीन कार्य किए गए हैं, जिसकी खबर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन शासन प्रशासन आंख मूंद कर एक बड़े हादसे का इंतजार करने में बैठी हुई है। ठेकेदारों की घोर लापरवाही के कारण अभी तक नदी के पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और पुल अभी तक निर्माणाधीन अवस्था में पड़ा हुआ है। पुल के अगल बगल गहरी गहरी खाई खुदी हुई है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हादसे के शिकार भी कई व्यक्ति हो चुके हैं। ताजा मामला कल दिनांक 30/3/2021 का है। रविशंकर पुत्र शिवराम लोधी उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम उन्नीखेड़ा थाना हसनगंज उसी पुल पर से गुजर रहा था, तभी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पुल की रेप से जा टकराई और मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे शिवशंकर काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। रसूलाबाद चौकी प्रभारी प्रवीण पुंज को सूचना मिलने पर तत्काल चौकी प्रभारी पुलिस अमराइयों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पहुंचकर शिवशंकर को मियांगंज अस्पताल उपचार के लिए भेज देते हैं, लेकिन गंभीर चोट आने के से दिनांक 31/3/2021 को शिवशंकर की मृत्यु हो गई। चौकी प्रभारी प्रवीण पुंज रसूलाबाद चौक को पंचनामा करके अपने पुलिस अमराही अभिमन्यु कन्नौजिया के साथ पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उन्नाव भेज दिया है। अब देखना होगा कि ऐसे ठेकेदारों पर प्रशासनिक कार्रवाई कब होती है, या होती भी है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। उन्नाव जिला से ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार की खास।